दुनिया भर के नेताओं ने G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, तुर्की समेत सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं ने शानदार मेजबानी के लिए भारत की तारीफ की। सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक रिश्तों में भारत का एक और कदम। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब प्रिंस क्राउन ने से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में प्रिंस का स्वागत। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर आंध्र प्रदेश में घमासान। टीडीपी का प्रदेश भर में बंद का ऐलान। भ्रष्टाचार के मामले में हुई है चंद्रबाबू की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने धमाके के साथ नष्ट किया आईडी। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। बिजली कड़कने की चेतावनी के बाद प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। बिना काम लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। मोरक्को में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या पहुंची 2000 के पार। ऐतिहासिक शहर मराकेश समेत कई इलाकों में मची तबाही। कई लाख लोग प्रभावित। कोलंबो में भारी बारिश की वजह से बीच में रोका गया एशिया कप का भारत पाकिस्तान मैच। आज दोपहर 3 बजे खेला जाएगा बाकी का खेल। अभी 2 विकेट खोकर 147 रन बना चुकी है भारतीय टीम। सर्बिया के नोवाक। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहाँ लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।